वेलकम टू माय चैनल मामा ब्लूमिंग गार्डन। बारिश का टाइम चल ही रहा है और कटिंग से अभी तक अगर आपने प्लांट को ग्रो नहीं किया है, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कटिंग से ग्रो किए जा सकते हैं, उनको आप अभी कटिंग लगा लें और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है जो कि बारिश का समय होता है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कटिंग से ही बारिश में ग्रो होते हैं और उसके बाद में फिर आप विंटर टाइम पर उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ये है अपराजिता का प्लांट, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और पूरे सावन के महीने में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और अब टाइम आ गया है बारिश के बाद में इसमें फर्टिलाइज करने का और फर्टिलाइजर भी देने का, गुड़ाई सफाई साथ में करने के बाद में आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। मैंने अपने सारे गमले को गुड़ाई कर दी है, आप देख सकते हैं साफ और क्लीन हो गए हैं। थोड़ा सा इसका मिट्टी मॉइस्चर सूख जाएगा, फिर मैं इसमें फर्टिलाइज दूंगी, फर्टिलाइज करूंगी और उसके बाद में फिर कटिंग वगैरह भी मैं साथ साथ में ग्रो कर लेती हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की प्रूनिंग करना बनता है। इसके टाइम पे बहुत ज्यादा थोड़े से इसका शेप बिगड़ जाता है प्लांट का, उसको आप कटिंग प्रूनिंग करके शेप में ला सकते हैं और इसमें फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं अभी मैंने फर्टिलाइजर इसमें नहीं डाला है क्योंकि गुड़ाई करके छोड़ दिया, थोड़ी मिट्टी सूख जाए फिर मैं इसमें फर्टिलाइजर दूंगी और वाटरिंग करूंगी, अगर बारिश हो गई तो और भी अच्छा है। सो अभी अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है तो कटिंग लगाकर ग्रो कर सकते हैं और फ्लावरिंग भी देख सकते हैं, काफी सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है। अलमंडा है और भी सारे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और भी अच्छी फ्लावरिंग होगी लेकिन अगर आप इसमें कटिंग प्रूनिंग और साथ साथ में फर्टिलाइज भी कर देंगे तो ये और भी आगे अच्छे से फ्लावर देते रहेंगे। आप देख सकते हैं पूरे गार्डन में फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। फर्स्ट लेयर है, सारे भी प्लांट काफी अच्छे हैं और कटिंग से भी मैंने बहुत सारे प्लांट को ग्रो किया। अलमंडा की इस वैरायटी को मुझे लगाए हुए 1 मंथ से ज्यादा हो गया है और इसमें काफी सारे फूल इसमें दिए हुए हैं। और बारिश के टाइम पे आप अलमंडा को जरूर से अपने गार्डन में ऐड करिए, क्योंकि ये प्लांट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ऑल टाइम इसमें फ्लावरिंग होती है लेकिन बारिश के टाइम पर कुछ ज्यादा ही होती है। और कलियों का साइज देख सकते हैं, रेड पिंक इसमें लिए हुए हैं, कभी इसका कलर पिंक लगता है कभी रेड लगता है, और कैमरे में शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और ये प्लांट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और अभी इसी साल मैंने इसको ऐड किया हुआ है। और फर्टिलाइज़र वगैरह भी मैं नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि बार बार बारिश हो जाती है, मिट्टी गीली हो जाती है और गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र मैं नहीं देती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी को सूखना भी ज़रूरी होता है। मुझे प्लांट पसंद है जो कि उसमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्लावरिंग देखने को मिलती रहे, क्योंकि पूजा के लिए फूल वाले प्लांट तो ऐसे होते हैं आप रोज़ का रोज़ निकलते रहे, गुड़हल जैसे है और कनेर है तो उसमें आप तोड़ते हैं और चांदनी वगैरह। लेकिन ऐसे डेकोरेटिव प्लांट होते हैं जिसमें फूल खिले ही रहते हैं, वो प्लांट काफ़ी अच्छे लगते हैं जो कि आप उसको तोड़े ना, पूजा में भी ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होगा, घर के किसी कॉर्नर को सजाने के लिए ये प्लांट काफ़ी अच्छे होते हैं। इनको अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं, एक बार जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी इसमें भी फ्लावरिंग होती है, जो कि ये वॉटर ब्रश है और मुझे भी पसंद है। और बेला में भी इसमें काफ़ी सारी वाटरिंग हो गई है और पानी बार बार गिरते गिरते इसमें थोड़ा गमला गीला ही रहता है, इसलिए इसमें भी फ्लावरिंग अभी बंद है और प्रूनिंग भी करने के बाद में अब इसमें न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो अब इसमें भी बहुत जल्दी फ्लावरिंग होगी। और नीली चांदनी जो मैं लेकर आई थी इसमें भी फ्लावरिंग काफ़ी सारी हो चुकी है और अब इसमें कलियाँ भी सीड्स बनने लगी हैं और जल्दी ही इसमें और भी फ्लावरिंग होगी। और इसके गमले को सही कर दिया है मैंने और इसमें अब थोड़ा फर्टिलाइजर की नीड थी तो मैंने इसमें सारे गमले को गुड़ाई कर दी है और कल मॉर्निंग में टाइम पे मैं या इवनिंग टाइम पर इसमें फर्टिलाइजर जरूर ऐड करूंगी। इस टाइम पर्सलिन की भी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और किसी भी मौसम में आप पर्सलिन को ग्रो कर सकते हैं। और इस टाइम फ्लावरिंग का टाइम है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर प्यारे से फूल निकलते हैं और बारिश के वजह से ये लैगी हो जाते हैं प्लांट, और इस टाइम आप कटिंग इससे निकाल कर ग्रो कर सकते हैं। और पर्सलिन हो या पाचुलाका, दोनों में ही अच्छी फ्लावरिंग होती है बारिश में। पाचुलाका थोड़ा सा ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब होने लगता है, इसलिए बारिश में ज़्यादा इसको ना रखें, लेकिन अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहें तो इस टाइम बहुत अच्छी जल्दी ग्रो हो जाती है और फ्लावरिंग भी आने लगती है। पार्सलिन एंड पाचुला का दोनों को आप कटिंग से इस टाइम जरूर ग्रो कर लें। आगे विंटर में थोड़े प्लांट डल पड़ जाते हैं और आप इसको शेड में भी बहुत अच्छी बारिश के बाद ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि फ्लावरिंग पहले ही हो चुकी थी इसमें और अब न्यू ग्रोथ आती है तो आप इसकी कटिंग को ग्रो कर ले। और आप देख सकते हैं कलियां भी बन रही है, फर्स्ट लव प्लांट, बहुत ही सुंदर लगता है इसका फूल, आपसे मैंने पिछले वीडियो में शेयर भी किया हुआ है। और ये प्लांट भी ग्रो किया जा सकता है कटिंग में, और इसको अभी फर्टिलाइज करिए और इसकी कटिंग को और लगा लीजिए। सिटन विटोनिया में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी और अभी भी इसमें कलियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं। और इसकी जब मिट्टी तैयार की थी तो लीप कंपोस्ट और बहुत अच्छा फर्टिलाइजर मैंने देकर इसमें मिट्टी तैयार की थी और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई भी है और भी इसमें सीड्स बनने लगे हैं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और भी इसमें फ्लावरिंग होगी अभी, क्योंकि कलियाँ काफ़ी सारी आ रही हैं।
मिट्टी एक बार आप अच्छी तैयार कर लेते हैं तो कलियां और मिट्टी से काफी टाइम तक इसमें फूल आते ही रहते हैं, आपको नहीं देना पड़ता फर्टिलाइजर। और मिट्टी काफी टाइम से इसमें बारिश होते होते थोड़ी सी मिट्टी वैसी हो जाती है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन गमले से बाहर हो जाता है। तो थोड़ी बहुत फर्टिलाइजर अगर आप देते हैं तो प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये अलमंडा की बुश वैरायटी है और ये भी कनेर के जैसे फूल लगते हैं मुझे, लेकिन अच्छे लगते हैं ये फूल। और कलियां भी कुछ उसी टाइप से दिख रही हैं और ये काफ़ी सा बुशी हो गया है प्लांट। थोड़ी सी प्रूनिंग और इसकी कटिंग आप इस टाइम लगा सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कटिंग इसकी लगाई हुई है जिससे वो कटिंग लग भी गई है, देख सकते हैं। मैंने अलमंडा बुश वैरायटी को कटिंग से ग्रो किया हुआ है और जल्दी ही इसकी कटिंग लगाई थी और अब चल गई है, क्योंकि इसके पत्ते सीधे हो गए, पहले थोड़े से लटक गए थे और लेकिन ये अब सही हो गया है। और इसमें विंका की भी मैंने कटिंग लगा दी। विंका को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि अलमंडा को कटिंग से ग्रो किया हुआ है आप देख सकते हैं। इसी टाइप से मैंने इसकी भी कटिंग को लगा दी है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। रानी कलर के फूल हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये पिंक कलर के। और इसकी जैसे ही मुझे न्यू ब्रांच या दिखाई देती है सो मैं इसकी कटिंग लगा देती हूँ और काफ़ी बुशी हो गया है। इसको बार बार कटिंग इसके निकालते निकालते नीचे से भी ये काफ़ी बुशी हो रहा है, देख सकते हैं आप। और इसमें भी जब फ्लावरिंग अच्छी तरह से होती है तो आप पानी इसमें कम डालें और बारिश का पानी तो बिल्कुल भी ना पड़ने दें। बारिश के पानी से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं, थोड़े से गलने लगते हैं और इस टाइम गल के प्लांट ख़राब हो जाता है। सो इसकी कटिंग भी लगाते रहें और साथ साथ में आप इसको इसका ध्यान रखें कि इसमें बहुत ही कम पानी आपको देना है। और जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए, भुरभुरी लगने लगे, तब आप इसमें पानी डालें। और देख सकते हैं इसी वजह से ये प्लांट नीचे से भी बुशी हो रहा है। अंडरविला में तो फ्लावरिंग आती ही जा रही है और इसके एक ना एक कलियां इस टाइप से बनने लगी हैं और बनती ही रहती हैं, फ्लावरिंग भी होती रहती है। और इस टाइप से आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इसमें कलियाँ हैं। और मांडेविला प्लांट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसके फूल काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, वाइट कलर के सुंदर लगते हैं। एक्जोरा की मिनी वेराइटी है जो कि ड्राफ है और ये बुशी हो जाता है काफ़ी सारा, तब इसमें फ्लावरिंग आती है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बुशी हो गया है और इसके पत्ते ग्रीन भी हो गए हैं। और इसी टाइप से सारी मैंने इसकी साफ़ सफाई गुड़ाई का काम कर दिया है। और फर्टिलाइज़र आप इस टाइम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बारिश में आप फर्टिलाइज़र ऐड करते तो और भी अच्छी ब्लूमिंग आपको देखने को मिलेगी। मधुमाली को भी अगर आपको नर्सरी पे कहीं दिख जाए तो आप ये प्लांट ला सकते हैं। काफ़ी अच्छे थिक साइज़ के ये इसके पत्ते होते हैं, पत्ते काफ़ी हार्डी हैं और ये प्लांट भी जल्दी सूखता नहीं है। और जब ये इसके पत्ते न्यू आते हैं सो ये बहुत मुलायम से होते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी टाइट से हो जाते हैं। और इसमें भी फूल कुछ बहुत सुंदर लगते हैं, आप देख सकते हैं चांदनी की जैसे फूल हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस मिलेगी। और ये प्लांट खुशबूदार प्लांट में एक आता है और बहुत ही अच्छा होता है, जूही भी बोलते हैं कभी कभी, लेकिन ये मधुमालिनी प्लांट है, इचिटस इसको साइंटिफिक नेम है इसका। इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये बारिश में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है, जो कि आप देख सकते हैं। रोज़ प्लांट को भी अपने गार्डन में इस टाइम ऐड करें और फर्टिलाइज़र अगर नहीं डाल रखा है तो फर्टिलाइज़र भी ऐड करें। और इसकी भी हल्की सी मैं गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र ऐड करूंगी और इसमें 2 फ्लावर आए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड रोज़ प्लांट है। कलर अभी इसका बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि वाइट से फूल दिख रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं शेडेड, और ये कलर और इसमें जब रेड कलर के फ्लावर आते हैं लैंटाना में, ये भी बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं। लैंटाना में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, आप देख सकते हैं पूरा मारून कलर का फूल है। गोफ्रिना में भी कलियां अब बनने लगी हैं, आप देख सकते हैं गोफ्रिना की ही प्लांट है और इसको कटिंग से मैंने तैयार किया हुआ था और काफ़ी अच्छी इसमें अब छोटी छोटी सी कलियां दिखाई देने लगी हैं और बहुत जल्दी सी प्लांट फूलों से भर जाएगा। और इसमें अच्छा खासा आपको फर्टिलाइज़र इसमें भी देना पड़ता है और अच्छी तरह से ही फ्लावरिंग फिर करता है। आई होप आपको ये छोटे छोटे प्लांट और कटिंग्स अच्छी लगी होंगी। आप देख सकते हैं कितनी सारी मैंने गोफ्रिना की कटिंग लगाई हुई है और ये फर्स्ट लव का प्लांट है जिसमें मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। और ये है अलमंडा की क्रीपिंग बनाई थी, उसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया। वो प्लांट जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैं आपको ये सारे प्लांट अभी दिखाए हुए हैं कि इसके प्लांट मदर प्लांट कौन से हैं और कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट नर्सरी पॉट में दिखाए हैं। और कटिंग से अभी तक अगर आपने ग्रो नहीं किया है तो इस बारिश में ज़रूर से ग्रो कर लीजिए। छोटी छोटी सैपलिंग कटिंग निकाल कर इस प्लांट को न्यू और भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया। बागों में भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है, ब्लू कलर के इसमें फूल आते हैं और कटिंग से ये प्लांट भी तैयार हो जाता है। इस टाइम आप बारिश के टाइम अगर कटिंग अभी तक नहीं लगाया हुआ है तो प्लम्बागो को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, न्यू प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि विंटर टाइम पे ये कटिंग नहीं लगती है, बारिश में ही लगती है। और इसकी भी आप कहीं से भी कटिंग मिल जाए तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर ले, बहुत पतली सी स्टेम कटिंग से ग्रो हो जाती है। और इसको भी मैंने
एक न्यू प्लांट कटिंग से बना रखा हुआ है। आई होप आपको ये सारे ही प्लांट अच्छे लगेंगे जो कटिंग से ग्रो हो सकते हैं, और इनको आप फर्टिलाइज कीजिए इस टाइम, और कटिंग से अगर आपके पास प्लांट कम है तो ग्रो कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।